हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन। सभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मैं डेली दिन में 2 बार झाड़ू जरूर लगाती हूँ। घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, फिर भी मैं शाम में एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और मैं डेली तो सुबह ही बर्तन धो लेती हूँ, लेकिन आज दोपहर में खाना बनाई हूँ ना, जब भी मैं दोपहर में खाना बनाती हूँ तो शाम में ही बर्तन को धोती हूँ। तो अभी मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया है और उसके बाद मैं बर्तन को भी धो ले रही हूँ। मेरे काम हो चुके हैं जितना भी क्लीनिंग का था, तो अब मैं खाना बना रही हूँ। और पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, सारे मसालों को फ्राई कर लेती हूँ, जैसे प्याज, टमाटर, मिर्च, सबको फ्राई करके और उसको उसका एक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि ना जब वो भून जाते हैं पहले ही ना, और उसके बाद पेस्ट तैयार करती हूँ, तो एक अच्छा सा एकदम सूंधा सूंधा स्मेल आता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं हमेशा फ्राई करके ही बनाती हूँ। और यहाँ देखिए, मैंने पनीर को भी फ्राई कर लिया है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने तेल में तेज पत्ता और जीरा डालकर, और ये देखिए मैंने जो पेस्ट तैयार किया था उसको भी मैंने डाल दिया है। और पहले ही फ्राई कर देने से ना प्याज टमाटर को ज़्यादा भूनना भी नहीं पड़ता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, मिर्चा और थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक भी मैंने डाल दिया है। और ये देखिए, ज़्यादा मुझे भूनना नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं पहले ही फ्राई कर ली थी। तो अब मैं पनीर भी डाल दी हूँ और धनिया पत्ता भी मैं डाल दी हूँ, और साथ ही मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाला है, इससे टेस्ट अच्छा लगता है। और अब लास्ट में मैंने गरम मसाला डालकर उसे ढक दिया है। ये देखिए, मेरी पनीर की सब्ज़ी तैयार हो गई है। और रोटी मैं अभी नहीं बना रही हूँ, रोटी मैं 6 बजे बनाऊँगी, क्योंकि इनकी 6:30 की ड्यूटी है। तो मैं सबसे पहले ऊपर से जाकर कपड़ा ले आई हूँ अभी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। और आने के बाद अब मैं रोटी बना रही हूँ। ये देखिए, मैं उनका लंच बॉक्स पैक कर ली हूँ और उनके जाने का अब टाइम हो गया है, वो रेडी हो रहे हैं। तब तक मैं अपना जो भी काम है घर का वो कर ले रही हूँ। सुबह में मैंने बहुत सारे टेबल क्लॉथ वगैरह सब धुले थे, तो उसे मैं अभी अरेंज कर ले रही हूँ। और ये देखिए, अब वो जा रहे हैं। और उनके जाने के बाद मैं फिर से काम में लग गई हूँ। और अब मम्मी जी के आने का भी टाइम हो रहा है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ेगा। वैसे तो मेरा खाना तैयार बन ही चुका है, बस रोटी बनाना है रात में। साथ ही मैं बेडशीट को भी अभी ही अरेंज कर दे रही हूँ। और अभी मैं एक सीरियल देखती हूँ, साबी की सवारी, वो मेरा फेवरेट सीरियल है। तो मैं किचन में काम करते करते सीरियल भी देख लेती हूँ। और मम्मी जब आने वाली है, तो मैं यहाँ पे अब चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि शाम के 7 बज गए हैं। और साथ ही सारे बोतलों में पानी भी भर कर रख ले रही हूँ।
और शाम के नाश्ते में हम लोग डेली चाय के साथ कभी टोस्ट कभी कुछ खा लेते हैं। और अब मम्मी जी भी आ गई हैं। मैं पहले चाय नहीं पीती थी, लेकिन कभी कभी शादी होने के बाद मैं भी पी लेती हूँ इनके साथ। शाम का चाय पीने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मम्मी जी मेडिसिन लेती है, उसके आधे घंटे के बाद ही खाती हैं। तो अभी 8 बज रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में फिर से रोटी बनाने, क्योंकि मम्मी जी के खाने का टाइम हो गया है। और मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि जब तक मैं सारा काम नहीं कर लेती ना, मैं खाती ही नहीं हूँ। मैं मुझे मन ही नहीं लगता खाने के बाद काम करने में, इसलिए मैं पहले सारा काम कर लेती हूँ उसके बाद खाती हूँ। और जब तक मम्मी जी खा रही हैं तब तक मैं इधर का सारा काम कर ले रही हूँ। और रात को मैं किचन को क्लीन करके सोती हूँ, इससे क्या होता है ना, सुबह सुबह ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और किचन भी अच्छा लगता है देखने में, बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं सारे बर्तन को भी धो लेती हूँ रात में ही, और रात में झूठे बर्तन छोड़ा भी नहीं जाता है, तो इसलिए मैं सारे बर्तन रात में ही धो लेती हूँ और किचन को भी क्लीन करके सोती हूँ। और सारे काम करने के बाद मैं आ गई हूँ खाना करने। ये मेरा हमेशा का आदत है, मैं जब तक काम नहीं करती तब तक मैं नहीं खाती हूँ। और खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। ये मेरी सुबह की तैयारी हो रही है, मैं कल क्या बनेगा ये रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ। और कल मैं चने की सब्ज़ी बना रही हूँ, और यहाँ पर मैंने एक गिलास दूध ले लिया है अपना, क्योंकि मैं बिना दूध पिए हुए नहीं सोती हूँ। तो ये देखिए मेरा फाइनल किचन का लुक। अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं अपने रूम में आ गई हूँ, मम्मी जी भी अपने रूम में सोने चली गई है। और मैं सोने से पहले दूध पीती हूँ, तो वही अपने लिए दूध लेकर चली आई हूँ। मुझे दूध बहुत पसंद है। और अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं और सोने का टाइम है, लेकिन उससे पहले मैंने आज ये 2 नाइटियाँ ली थी, जिसको अभी हमको बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसको भी सिलना है, थोड़ा सा नीचे से मोड़ना है। और बहुत खूबसूरत नाइटी है, मैंने आज ही परचेस किया है इसको। और अभी बैठकर थोड़ा सा दूध पीने के बाद इसको सिलूंगी, मशीन तो नहीं है, हाथ से ही सिलना है इसको। ये देखिए, और उसके बाद सिलने के बाद मैं 10:30 या 11 o'clock तक सो जाऊंगी। ये देखिए, और एक और है, ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करना है हमको। ये देखिए, इन दोनों को फोल्ड करने के बाद मैं सो जाऊंगी। फ्रेंड्स, तो मैंने अपना दूध भी फिनिश कर लिया है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे प्यार और सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं भी आप लोग के प्यार और सपोर्ट से आगे बढ़ पाऊँ। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।